नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कल हमने टाइम एंड वर्क की वीडियो बनाई थी, अभी उसका लेक्चर 1 ही हुआ है, आगे मैं और भी उसकी वीडियोस बनाऊंगा। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर ले रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों इसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो आपका आता है अल्फाबेट्स के ऊपर। अल्फाबेट्स के ऊपर अब जब क्वेश्चंस आता है तो जाहिर सी बात है कि आपको अल्फाबेट्स की नोटेशन मालूम होनी चाहिए। अल्फाबेट्स की नोटेशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3। मैंने देखा है दोस्तों, ज्यादातर ये चीजें स्टूडेंट्स के याद नहीं हो पाती है, तो मैं आपको सबसे पहले तो A से लेके Z तक एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपको सभी अल्फाबेट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप एक बार खाली देखना होगा, 99% तो तभी याद हो जाएंगे, और अगर कुछ कमी रहती है तो आप वीडियो को एक बार और देख लें, आपका 100% A to Z एकदम से याद हो जाएगा। दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा इजोटी। इजोटी से हमें 5 नोटेशंस का पता लगता है, ई से 5, जे से 10, ओ से 15, टी 20, 20 और वाई 25। बट ऑल लेटर्स का क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें सिर्फ 5 लेटर्स याद होते हैं, बट इसके अलावा भी हमारे पास काफी अल्फाबेट्स बचते हैं, उनको कैसे याद किया जाए। तो दोस्तों देखो, मैं यहां बताता जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे, A B C D E ये हमारे फर्स्ट 5 लेटर हैं और ये सभी के याद होते हैं। A41, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 और E5। इजोटी से भी मिल जाता है। इसके बाद F आता है दोस्तों, F से आप याद रखेंगे फिक्स, फिक्स से बोलेंगे 6, फिक्स सिक्स। तो 6 से क्या हो जाएगा आपका नोटेशन, 6। इसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है दोस्तों G। ध्यान से देखना दोस्तों, ये G किस तरह से बन रहा है, ये बन रहा है। तो जैसे ही आप इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, बनाते हुए ही आपके माइंड में आ जाएगा कि जी से क्या बन रहा है, 7। दोस्तों इसी प्रकार से एच आपका आता है, एच को आप हल्के से नीचे से घुमाइए और हल्के से ऊपर से घुमाइए, तो एच की जो शेप बनती है वो बनती है 8 की। देखिए ध्यान से, एच की जो शेप बन रही है कैसी बन रही है, 8 जैसी बन रही है। तो एच से क्या हो जाएगा आपका 8। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये क्या बन गया आपका 8 बन गया। इसी प्रकार दोस्तों आई का देखेंगे, आई को हम इस तरह से लिखते हैं, आपको कुछ दिखाई दिया आई, फिर से बनाता हूं आई, किसकी शेप ले रहा है, ये 9 की शेप ले रहा है, तो आई से क्या हो गया आपका 9 दोस्तों। देखिए फिर से बताता हूं, एफ है, एफ से आप क्या रखेंगे, फिक्स, फिक्स से 6, फिक्स सिक्स, और 6 से आपको याद हो जाएगा आपका 6। जी को आप ध्यान से देखेंगे तो इसी में इसका नंबर छुपा हुआ है, जी को आप देखेंगे ध्यान से क्या बन रहा है, जी बनाने पर 7 हमारा बनता है, तो जी से क्या हो गया 7। ये हमारा एच है, एच से हम हल्का सा ऊपर से कर्व डालते हैं, यहां से नीचे से कर्व डालते हैं, तो माइंड में हमारे जैसे ही एच बनेगा याद आएगा कि ये क्या है, 8 है। आई, आई को हम देखो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ये बन रहा है तो क्या शो हो रहा है, ये 9, तो आई से आपका क्या हुआ 9। इसके बाद दोस्तों जे आता है, जे आपका इजोटी से आपको मिल जाता है, जे से क्या होता है 10। दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा मैं आशा करता हूं,
एक बार आप इनको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारे आपको याद होते चले जाएंगे। अब मैं आगे आपको बताता हूँ आगे कैसे करना है। आगे कैसे करना है दोस्तों, देखिए K आता है, L आता है, M, N, O, O आपको मिलेगा इजोटी से, ये होता है 15। के की देखो, के की एक कहानी है। कहानी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दो भाई थे, कितने भाई थे, दो भाई थे। ये क्या बन रहा है दोस्तों, 11 बन रहा है। दो भाई थे, इनकी किसी एक आदमी से दुश्मनी थी। उस दुश्मन ने आगे क्या किया, इस भाई के पेट में लात मार दी। अब पेट में लात मार दी तो भाई क्या हुआ, ये जो है भाई मुड़ गया। अब ये मुड़ गया तो क्या बना, के। और किससे बना ये के, 11 से। तो के का क्या नोटेशन होगा दोस्तों, 11 नोटेशन होगा। एल का इसी प्रकार से आप याद रखेंगे, एल 12। ये बहुत ही फ्रेंडली सा वर्ड है दोस्तों। L जैसे ही आएगा आपको एकदम याद हो जाएगा, 3-4 बार आप इसको दोहराइए, L12, और 12 से आपको क्या मिलेगा, 12। तो L से क्या बनेगा दोस्तों, 12 बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं M। M क्या है भाई, M में कितने बन रहे, 1, 2 और एक आधा इधर से आधा इधर से, तो कितने डंडे हमारे बने, 3। 3 डंडे हमारे बने। तो ये हमारा जो आता है के एल के पास आ रहा है, यानी 10 के पास है। तो 10 के पास है तो हम इसका क्या बनाएंगे, 13 बनाएंगे। दोस्तों अगर ये देखो जेड के पास होता तो 23 बनता, ठीक है, लेकिन ये जेड से बहुत दूर है इसलिए क्या बनेगा, एम से 13। कैसे, एक डंडा, दो डंडा, आधा ये, तो क्या याद रखेंगे इससे, 3। और एल के बाद आ रहा है तो 13। ऐसे ही अल्फाबेट्स में अगर आपसे पूछा जाए कि P के बाद क्या आएगा, Q के बाद क्या आएगा, तो आप एक बार को सोच में पड़ सकते हो कि क्या आता है। लेकिन M और N ऐसे दो वर्ड हैं कि आप जिसको भी ABCD याद होगी, आप उनसे पूछोगे कि M के बाद क्या आएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा कि M के बाद N आएगा। तो N आ रहा है M के बाद, N कितना है आपके पास, 13। तो N कितना बनेगा, 14। तो दोस्तों ये है K L M N O। इसके आगे देखते हैं, आगे है P Q R S और T। T से T20 होता है, तो P का हो गया आपका 20। देखो P से एक बहुत प्यारा वर्ड होता है, क्या, प्यार, प्यार। और प्यार हमें होता है 16 साल की उम्र में, 16 साल। तो P से आपको क्या याद रहेगा, 16। क्यू, क्यू से होता है आपका क्वीन, और आर से होगा आपका राजा। तो क्यू और आर दोनों की शादी हुई, शादी में क्या हुआ, क्यू की जो एज थी वो थी 17 साल और राजा की जो एज थी वो थी 18 साल। हमेशा याद रखना, हमारे हिंदुस्तान में मोस्टली लड़की की जो एज होती है वो लड़के से कम होती है। तो 17 से आप याद रखेंगे क्यू को, और उससे एक साल बड़ा राजा आर आ जाएगा। एस से मुझे एक एक्ट्रेस याद है, श्रीदेवी, जिन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की जो स्टार्टिंग की थी 19 ईयर की एज से की थी। तो इससे आप अपना जो भी आपको कोई कोड मिलता है उसको भी आप यहाँ ले सकते हो। मुझे श्रीदेवी से याद है, आप कुछ भी ले सकते हो। पी से 20 हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, इसके बाद दोस्तों आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यू से दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने हमें कहा था कि भारतीय शक्ति युवा के हाथों में है, और युवा होता है आपका कितने साल का, 21 साल का। युवा एक अवस्था है, 21 साल के जब हम हो जाते हैं तो हम युवाओं में काउंट होने लगते हैं। तो U से आपको क्या याद रहेगा दोस्तों, 21। V से दोस्तों विक्ट्री। विक्ट्री में हम सिंबल दिखाते हैं अपना, दो उंगलियां उठा के कि हम जीत गए। तो दो उंगलियों से आपको क्या याद रहेगा कि V का कोड क्या है, 2।
आप दो उंगली दो उंगली दिखा रहे हो, दो उंगली दिखा रहे हो तो दो उंगलियों का क्या मतलब होगा? 22। ऐसे ही दोस्तों W है, W हमने M बनाया था, M का हमने कोड देखा था 13, किस तरह से एक दो आधा ये आधा ये, तो क्या बन गया था? 13 बन गया था। W जो है वो M का ही उल्टा भाई, उल्टा भाई है मतलब एक दो आधा ये, तो कितना बना? 3 बना। और दोस्तों ये Z के पास आता है, Z का हमें पता है कि 26 होता है, तो W का कितना होगा? 23। टोटल डिफरेंस दोनों का 10 का होता है, ध्यान रखोगे तो आसान होगा और ज्यादा MW का कोड याद रखने में। तो M से होता है 13, W से होता है 23, और X, Y और Z ये लास्ट के अल्फाबेट्स हैं। और ये मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये आपको याद ही होंगे, X 24, Y 25 और Z 26। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से दोबारा सारे के सारे लेटर लिख देता हूँ जिससे आपको एक बार और याद हो जाए। लेटर्स हैं A B C D E F G H I J K L M N O E Q R S T U V W X Y Z। ये चार आपको दोस्तों याद होंगे, 1, 2, 3, 4, इन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है याद करने में। E आपका एजोटी से मिलता है, 5 नंबर। F से आप याद रखेंगे फिक्स, फिक्स से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। G से आप लेटर की बनावट पे ध्यान देंगे, G कैसे बनता है लास्ट में नीचे देखेंगे तो आप ध्यान से, 7 बनेगा, तो G से क्या होगा? 7। H को हम ऊपर कर्व बनाते हैं, नीचे कर्व बनाते हैं, तो ये हमें कैसी शेप मिलती है? 8 की शेप मिलती है, तो H हमारा हो गया 8। I को हम बनाते हैं रोमन लेटर्स में इस तरह से, तो I किसकी शेप देता है हमें? 9 की शेप देता है। J आपको इजोटी से मिलेगा दोस्तों, ये होगा 10। K की कहानी आपको पता है, दो भाई थे, इनका एक दुश्मन था, उस दुश्मन ने आगे इस भाई के पेट में लात मारी, तो ये किस तरह की शेप में हो गया? इस तरह की शेप में हो गया। तो K से क्या मिलता है दोस्तों? 11। L से आप एक वर्ड याद रखेंगे, 12। 12 से क्या होगा? 12 से 12। M में 1 2 आधा आधा 3, और ये Z से बहुत दूर है तो क्या बनेगा? 13 बनेगा, और J के एकदम पास है। M N दोनों बहुत ही इजी वर्ड है, M के तुरंत बाद हमें याद होता है कि N आएगा, तो N क्या होगा? 14 होगा दोस्तों। O से हमें इजोटी से मिलेगा दोस्तों, O कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। P से एक बहुत प्यारा वर्ड है, क्या? प्यार, और प्यार हमें होता है कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में। Q से होगी क्वीन, क्वीन होगी 17 साल की। R से राजा, राजा होगा 18 साल का, दोनों की हम शादी कर देंगे। S से होगी कौन? श्रीदेवी, और श्रीदेवी से याद रहेगा कि इसने अपनी फिल्मी कैरियर की स्टार्टिंग कब की? 19 ईयर से। आजकल न्यू हीरोइन भी आ रही है आपकी, श्रद्धा कपूर, तो आप उसकी एज भी ले सकते हैं, 19 ईयर। आपको याद करने का तरीका है, आप कुछ भी ले सकते हैं। P आपको मिलेगा इजोटी से, P 20 भी होता है तो P से 20 आपको याद हो जाएगा। U से आपका आता है युवा, युवा कितने साल का होता है? 21 साल का होता है। V हो गया विक्ट्री, विक्ट्री में कितना आएगा? 2 उंगलियां हम दिखाते हैं, तो विक्ट्री से क्या बनेगा? 22 बनेगा। W होता है आपका M का उल्टा भाई, तो वो 13 है, तो ये कितना होगा? 23, 1 2 आधा ये 3, और किसके पास आता है दोस्तों? Z के पास आता है, तो क्या लगेगा? 2 लगेगा। X Y Z 24 25 36, ये आपको याद ही होंगे, इनका कोई कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि इन क्वेश्चनों के ऊपर, इस सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर आपको ये ABCD अच्छे से याद हो गई। क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आपको बताता हूं लिखकर, अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, कभी इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आता है, किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क, C
सी एल ई आर के, क्लर्क को लिखा जाता है ई ओ आई डब्ल्यू और क्यू। तो हमें दोस्तों बताना है कि टेबल इस कोड में कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एबीसीडी आपकी याद नहीं होती तो आप एक पेपर पे एबीसीडी लिख लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो बार बार उस पेपर को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, ना कंज्यूम हो, मैंने आपको ट्रिक बताई है एबीसीडी याद करने की, शायद अब तक आपकी वो एबीसीडी याद हो गई हो। तो देखते हैं दोस्तों, सी हमारा होता है 3, एल से 12, ई से हमारा 5, आर से राजा 18, के की कहानी 11, ई 5, ओ 15, आई हमारा बनता है 9 से, डब्ल्यू हो गया हमारा 23 और क्वीन हो गई हमारी 17। देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। 3 में 2 ऐड हो रहा है तो हमें 5 मिल रहा है, 12 में हमारा 3 प्लस हो रहा है, 5 में हमारा 4 प्लस हो रहा है, 18 में हमारा 5 प्लस हो रहा है और 11 में हमारा 6 प्लस हो रहा है। तो दोस्तों यही कोड तो हमें इसमें पता करना था, इसीलिए इन क्वेश्चनों को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे ही आप ये कोड फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी। तो आपको बताना है टेबल का क्या होगा। तो टेबल में क्या, टी से 20, ए 41, बी 42, एल 12, 2, ई 5। तो पहले अक्षर में हम कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, 2 जोड़ रहे हैं, दूसरे में हम 3 जोड़ रहे हैं, इस तरह से 4, इसमें 5 और इसमें 6। तो ये दोनों मिलके बनाएगा 22 दोस्तों, ये मिलके बनाएगा 4 दोस्तों, ये मिलके बनाएगा 6, ये मिलके बनाएगा 17 और ये मिलके बनाएगा 11। इसके बाद इसका नोटेशन हम लिखेंगे, बी हो जाएगा 22, बी से विक्ट्री, 4 किस पे आता है दोस्तों, डी पे आता है, 6 फिक्स 6 तो ये एफ पे आएगा, 17 की कौन होती है दोस्तों, क्वीन होती है, तो 17 क्यू हो गया और 11 दो भाई। तो दोस्तों देखा आपने, ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपको एक बार अल्फाबेट के नोटेशंस याद हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसका कैसे आएगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग पर करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को टी आर आई डबल पी एल ई, ट्रिपल को एस क्यू एच डबल ओ के डी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डिस्पोज को कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों सबसे पहला काम है इनके नोटेशंस लिखना, पी 20, आर से राजा 18, आई 9 बनेगा, पी से प्यार 16, एल 12, ई 5। ऐसे देखेंगे हम, एस श्रीदेवी 19, क्यू से क्वीन 17, एच 8, ओ 15, के 11, डी से 4। देखते हैं दोस्तों क्या कोड इसमें छुपा है, 20 से 19 जा रहा है यानी -1 हो रहा है, 18 से 17 जा रहा है यानी -1 हो रहा है, 9 से 8 -1, 16 से 15 -1, इस 16 से ये 15 -1, 12 से 11 -1 और 5 से 4 -1। तो दोस्तों हमें इस कोड का पता लग गया है कि हमें -1 करना है। तो इसका हम नंबर देखते हैं, नंबर है 4, 9, 19, 16, 15, 19 और 5। और हम इन सब में से जब -1 -1 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3, 8, 18, 15, 14,
84 और C 3 से हमारा होता है C 8 से H 18 से R 15 से O N R और तो ये क्या होगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर एक बार आपको एबीसीडी के नोटेशंस याद हो जाए तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है और हम इनको बहुत ही तेज सॉल्यूशन इनका दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी वैरायटी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में लेबर को L A B O U R लेबर को लिखते हैं K B A P P S। तो दोस्तों कोड हम लिखना स्टार्ट करते हैं, L 12 A 1 B 2 15 U से युवा, युवा 21 18 11 2 A P से प्यार 16 P 20 S। तो इस कोड में क्लेवर को C L E B E R क्लेवर को क्या लिखा जाए। तो दोस्तों 12 से हमें क्या मिल रहा है, 11 यानी क्या हो रहा है -1। 1 से हम आगे जाते हैं हमें क्या मिलता है, तो क्या हो रहा है दोस्तों +1। 2 से हम आगे जाते हैं तो हमें मिलता है 1 -1। 15 से हम जाएंगे 16 पे तो क्या मिलेगा +1। 21 से हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 20 -1। 18 से 19 जाएंगे +1। तो दोस्तों हमें कोड का पता चल गया है कि इस रेस में क्या हो रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, C से 3 हो गया, L से 12 हो गया, E 5, V से 22, E से 5 और R से राजा, राजा यानी 18। तो हमें क्या करना है, -1 करना है, +1 करना है, -1 +1 -1 +1। तो यहां से हमें मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 13, यहां से मिलेगा 4, यहां से मिलेगा 23, यहां से मिलेगा 4, यहां से मिलेगा 19। और इस कोड का हमें पता है क्या होगा, 2 से B 13, M 4 से D 23, M का भाई कौन सा, उल्टा भाई, तो क्या आएगा W B 19। 19 से क्या होता है श्रीदेवी, श्रीदेवी की एज कितनी है 19। तो ये इसका आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यही है इन क्वेश्चनों में, कुछ में जैसे दो दो लेटर हैं, इनमें +1 +1 होगा, 20 वालों में -1 -1 होगा, यहाँ फिर से +2 +1 +1 होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, आगे की क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे और डिफरेंट टाइप्स इसके कोडिंग डिकोडिंग के देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और नई वीडियोस देखनी है। और जैसे कि आप जानते हैं जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, दिल्ली जैसे बड़े स्टेट में जाके कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जल्द से जल्द उन लोगों के पास पहुंचे और वो भी कॉम्पिटिशन में अच्छा स्कोर कर सकें और अपना गवर्नमेंट जॉब ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।